ओके तो हमने देखा था इन्वेंटरी वैल्यूएशन चल रहा था, उसमें अपन देख रहे थे फिफो मेथड। फिफो मेथड का इलस्ट्रेशन हमारा दिया है मटेरियल रिसीव्ड एंड इशूड। तो ये जो टेबल है इसमें ये डेट्स पे मटेरियल रिसीव्ड हुआ और ये डेट्स पे मटेरियल इशू हुआ, ये रेट है ठीक है। इशू और जो मटेरियल है उसका रेट दिया हुआ है ये, तो इसको हम देखेंगे फिफो मेथड से। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक इलस्ट्रेशन है, मतलब इलस्ट्रेशन है, ये आंसर यहीं पे बनाया हुआ है, आंसर यही है। जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है वो सब यही आंसर है ठीक है। लेकिन इसको हम एक थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में बना लेते हैं, अभी इसको एक सिंपल फॉर्मेट में देख लेते हैं। तो सिंपल फॉर्मेट में कैसे होगा, क्रोनोलॉजिकल देखेंगे। तो सबसे पहले डेट क्या है, जुलाई 3, फर्स्ट डेट क्या है, जुलाई 3। जुलाई 3 को क्या है, रिसीट है, इश्यू है, रिसीट है। कितना रिसीट है सर, 600 यूनिट का रिसीट है। तो बैलेंस कितना हो गया हमारे पास, 600 हो गया ठीक है। बाद में 3 जुलाई के बाद में क्या आता है, 3 जुलाई हो गया हमारा, 3 जुलाई हो गया। उसके बाद में क्या आता है हमारा, 8 जुलाई। 8 जुलाई को क्या है, इशू है 400 यूनिट्स। तो जुलाई 8 क्या है, 400 यूनिट्स का इशू है, 400 यूनिट्स का इशू है। तो यही 600 में से 400 चले जाएंगे तो बैलेंस बचेगा 200। 600 में से 400 गया, बैलेंस बचा 200। अब 8 जुलाई के बाद में क्या आ रहा है, 12 जुलाई। 12 जुलाई को क्या है, अगेन 200 यूनिट्स का इशू है। तो जुलाई 12 क्या है, 200 यूनिट्स का इशू यहीं से हो जाएगा। मतलब ये जो ओरिजिनल 600 थे उसमें से इशू हो गया, बैलेंस कितना बचा है, 0। 12 जुलाई के बाद में क्या है, 13 जुलाई। 13 जुलाई को क्या है, रिसिट है, कितना है, 1800 का। जुलाई 13 800 यूनिट्स का रिसिट है, 0 800 ठीक है, 800 आ गया। 13 जुलाई के बाद में क्या आता है हमारा, 23 जुलाई। 23 जुलाई के पहले आता है 22 जुलाई। तो जुलाई 22 को क्या है, इशू है, कितना, 600 यूनिट। 600 यूनिट कहाँ से करेंगे, ये एक ही स्टॉक है अभी, तो इसी में से कर देंगे। इसी में से 600 यूनिट्स चला गया, बैलेंस बच गया 200 यूनिट्स। बाद में 22 के बाद में क्या आता है, 23 जुलाई। जुलाई 23 को क्या है हमारा, रिसिट है, कितना, 600। तो 600 रिसीव कर लेंगे। अब बेटा हमारे पास बैलेंस कितना है, हमारे पास दो अलग अलग स्टॉक हो गया, एक ये 200 पहले के लॉट का और ये एक 600 है ना। तो कैसे, तो लिख लेंगे पहले का ये 200 और ये जो अभी फ्रेश स्टॉक आया उसका 600, ऐसा कुल मिला के अभी हमारे पास 800 हो गया। कितना हो गया, 800। कितना मटेरियल हो गया, 800 यूनिट्स। अब जुलाई 23 के बाद में क्या आता है, जुलाई 23 भी हो गया। अब जुलाई 23 के बाद में आता है 25 जुलाई। 25 जुलाई को क्या हो रहा है, 200 + 200, ऐसा कुल मिला के 400 यूनिट्स इशू हो रहा है। कब, 24 जुलाई को। 24 जुलाई को कितना इशू हो रहा है, 400 यूनिट्स। 400 यूनिट्स, अब 400 यूनिट्स इशू कहाँ से करेंगे, हमारे पास तो दो लॉट है, एक लॉट 1 है 200 यूनिट्स का, एक लॉट 2 है 600 यूनिट्स का। तो 400 यूनिट्स कहाँ से, यहाँ 600 में से कर दूँ ना, 600 में से 400 हो जाएगा। नहीं सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, फीफो मेथड कर रहे हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या बोल रहा है, जो पहले का स्टॉक है, पहले का कौन सा स्टॉक है, लॉट 1। लॉट 1 का जो पहले का स्टॉक है वो पहले इश्यू होगा, फिर बाद में सेकेंड लॉट का होगा। तो ठीक है, वैसा कर लेंगे, जो पहले का है, पहले का कौन सा, ये, तो ये लॉट 1 200 इशू हो जाएगा। ये लॉट 1, ये 200 यूनिट्स लॉट 1 से इशू हो गया। देखो 200 यूनिट्स आउट ऑफ लॉट 1 हो गया। अब बचे कितने, बचे हैं 200 और, तो वो बचे हुए 200 होंगे लॉट नंबर 2 से, मतलब कहाँ से, यहाँ से। अब ये लॉट में से, इसमें से क्या, 200 में से 200 इशू हो गए, मतलब 0, और ये 600 में से 200 गए, मतलब 400 यूनिट्स ठीक है। अब बैलेंस हमारे पास एज ऑन 24 जुलाई कितना है, 400 यूनिट्स इन हैंड। अब 25 जुलाई है ये, सॉरी। अब 25 जुलाई के बाद क्या है, अगस्त 5। अगस्त 5 को क्या हो रहा है, अगस्त 5 को रिसीट हो रहा है। कितना रिसीट हो रहा है बेटा,
400 यूनिट्स, अगस्त 5th को 400 यूनिट्स का रिसीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 400 का ये और 400 का पिछला लॉट है ना, पिछले लॉट का भी 400 बचा है हमारे पास, तो ऐसे दो लॉट हो गए अभी। अगस्त 6th को क्या हो रहा है अब, अगस्त 6th को अगेन रिसीट हो रहा है 1200 यूनिट्स, कितना 1200 यूनिट्स, तो अभी हमारे पास लॉट कितने हो गए, अभी तीन लॉट हो गए, एक ये 1200 यूनिट्स, एक 400 यूनिट्स और एक 400 यूनिट्स। आप कलर के हिसाब से मैच करो, कलर के हिसाब से देख लो, ये 400 यहाँ आ गया, फिर उसके बाद में ये 400 आ गया और ये 1200 नया इशू, नया रिसेट आ गया। अब 6th अगस्त के बाद क्या हो रहा है, आ रहा है 8th अगस्त, 8th अगस्त को कितना इशू कर रहे हैं, 400 + 400 + 200, मतलब 1000 यूनिट्स हम इशू कर रहे हैं, 1000 यूनिट्स हम इशू कर रहे कब, अगस्त 8th। अब हमारे पास है कितना स्टॉक, 2000 यूनिट्स है, टोटल स्टॉक कितना है 2000। अब इसमें से हम इशू कौन सा करेंगे, सर जो पहले आया था वो पहले इशू होगा, तो सबसे पहले कौन सा आया था, सबसे पहले ये आया था, तो ये सबसे पहले इशू कर दो, 400 इस लॉट में से आ गया, फिर बाद में बचा हुआ 400 यहाँ से जाएगा एंड फिर आखिरी में 200 यहाँ से जाएगा, लास्ट में 200 लास्ट में 200 यूनिट्स यहाँ से जाएंगे 200, तो ऐसे कुल मिला के हो गए हमारे 1000 यूनिट्स है ना, 1000 हमारा इशू हो गया। अब बैलेंस कितना बचा, ये 400 में से ये 400 पूरा यहाँ आ गया, तो इसका बचा कितना है, ज़ीरो। ये बाद में सेकेंड वाला 400 पूरा आ गया, तो इसमें बचा है ज़ीरो, क्या बचा है, ज़ीरो। अब ये 1200 में से 200 आया है, तो इस स्टॉक में बचा है कितना, 1000 यूनिट्स, कितना 1000 यूनिट्स, ठीक है। तो ये था हमारा एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो मेथड पे। हमने देखा कि जो मटेरियल पहले इन हो रहा है वो पहले आउट हो रहा है, जो मटेरियल पहले रिसीट हो रहा है वो मटेरियल पहले ही इशू हो जाएगा। तो ये था हमारा फीफो मेथड, क्या था ये, फीफो मेथड एकदम सिंपल था, इस पे सवाल आता है। अच्छा बेटा, ये जो फीफो है ये मैंने नॉर्मल क्वांटिटी के हिसाब से बताया आपको, इसमें आपके दो दो कॉलम और बनेंगे, जैसे कि रिसीट्स का हमने कॉलम देखा, रिसीट्स में क्या होगा, एक क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ऐसा एक कॉलम, ऐसे तीन कॉलम्स बनेंगे। उसी तरह इश्यूज़ में भी क्या होगा, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ऐसे तीन तीन कॉलम्स बनेंगे, एंड बैलेंस में भी। तो क्या होगा, ये जो इन्होंने जो रेट का लिया है ना, रेट कॉल, रेट भी हम यहीं पे ले लेंगे, इसी में यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। ये तो क्या इलस्ट्रेशन था, इलस्ट्रेशन को उन्होंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब मैंने क्या किया है कि ये जो चार्ट है, ये जो चार्ट है, ये टेबल है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में इंस्टीट्यूट ने प्रेजेंट किया है, तो इसको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया है। ये जो है ना, ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म है और इजी टू रिमेम्बर है। हमने जो पहले इनिशियल लेवल पे जो न्यूमेरिकल्स देखे थे फीफो लीफो के, वो इसी तरह थे, स्टोर्स लेजर का जो फॉर्मेट था वही है, समझो हमारा फीफो लीफो। अब देखते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट क्या होगा, जैसे फीफो था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसी तरह से आएगा लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें क्या अज्यूम करके चलते हैं हम, कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास तीन स्टॉक है, एक है ओपनिंग स्टॉक, अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का मटेरियल पड़ा है, बाद में लॉट वन है, लॉट टू है एंड लॉट थ्री है इन हैंड, तो जो फ्रेश इशू होंगे वो पहले कहाँ से होंगे, पहले लॉट थ्री से होंगे, लॉट थ्री खत्म हो गया तो फिर लॉट टू से होंगे, लॉट टू खत्म हुआ तो फिर लॉट वन से होंगे। मतलब हम अज्यूम कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो मटेरियल आखिरी में आया वो मटेरियल पहले इशू होगा, जो मटेरियल आखिरी में आया वो मटेरियल पहले इशू होगा, ठीक है। तो बेटा ये जो हमने फर्स्ट सेकंड डे पे देखा था फीफो लीफो मेथड, तब हमने एक बात समझ ली थी, क्या समझी थी, कि जो फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज, ये सब क्या है, ये सब सिर्फ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन है, ये सब क्या है, सिर्फ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। हम ये इससे हम हमारे सिर्फ कॉस्ट निकाल रहे हैं और क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि रियल लाइफ में ऐसा ही हो। अगर मान लेते हैं हमारी कंपनी है रौनक इस्पात लिमिटेड, रौनक इस्पात लिमिटेड हमारी कंपनी है, अब इस कंपनी में हम फॉलो कर रहे हैं वैल्यूएशन के लिए लीफो मेथड, तो ये ज़रूरी नहीं कि एक्चुअल में जो फिजिकली है
कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आ रहा है तो स्टोर्स वाला सबसे नया वाला उसे दे रहा है, ऐसा नहीं है। स्टोर्स वाला तो जनरली सबसे जूना वाला माल पहले देगा, क्यों? उसका रीज़न हमने देखा था, ऑब्सोलेट हो सकता है, डिटोरिएट हो सकता है, क्वालिटी ख़राब हो सकती है, इसलिए पहले वाला मटेरियल पहले ख़त्म करेंगे हम। तो स्टोर्स वाला भले ही ओपनिंग स्टॉक में से देगा, फिर लॉट वन में से देगा, फिर लॉट टू से देगा और फिर लॉट थ्री से देगा, लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की मेथड लिफो फॉलो कर रहे हैं तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लिफो के हिसाब से स्टॉक्स को वैल्यू करेंगे। मतलब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि हमने लॉट थ्री से इशू किया, भले ही फिजिकली रियल लाइफ में हम इशू करेंगे लॉट वन से या ओपनिंग स्टॉक से, फिफो रियल लाइफ में भले ही प्रैक्टिकली हम फिफो मेथड यूज़ करेंगे, लेकिन वैल्यूएशन के लिए अगर हमने लिफो मेथड यूज़ किया है तो वैल्यूएशन लिफो से ही करेंगे। ओके, तो एक बात ध्यान में रखिए, हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन है, और ये ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ में फिजिकल इशू के लिए भी ये मेथड्स फॉलो हो। तो जो हमने फिफो मेथड देखे, फिफो मेथड का पूरा रिवर्स है ये लिफो मेथड। लिफो मेथड में आइटम्स ऑफ द लास्ट बैच परचेज आर फर्स्ट टू बी शोड, जो आखिरी में जो माल खरीदा है वो पहले इशू करेंगे। अब इसमें स्टार करने वाला पॉइंट ये है, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड और पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस द यूज़ ऑफ लिफो मेथड वुड हेल्प टू इंश्योर दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंड ऑन द अबव बेसिस इज अप्रोक्सीमेटली द करंट वन। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली द करंट वन। दिस मेथड इज ऑल्सो यूजफुल स्पेशली वेन देर इज अ फीलिंग दैट ड्यू टू द यूज ऑफ फीफो और एवरेज मेथड द प्रॉफिट शोन एंड टैक्स पेड आर टू आए। अब ये लॉजिक समझने वाली बात है कि अगर हम लिफो मेथड यूज़ कर रहे हैं, लिफो मेथड यूज़ कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि हम जो फिनिश गुड्स है उसकी जो कॉस्ट निकाल रहे हैं, कॉस्ट निकालने में हम मटेरियल की कॉस्ट लगा रहे हैं उस पर, तो मटेरियल की कॉस्ट हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, लिफो, मुझे एकदम लेटेस्ट। तो जाहिर सी बात है जो लेटेस्ट मटेरियल है उसका प्राइस ज़्यादा रिलेवेंट होगा या सदियों पुराना जो मटेरियल है, जो हमने कुछ समय पहले एग्जांपल लिया था 8 महीने पहले का स्टॉक ज़्यादा प्राइस ज़्यादा रिलेवेंट रहेगा या अभी 2 महीने पहले का? तो सर 2 महीने पहले का जो प्राइस है वो ज़्यादा रिलेवेंट है, तो जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट का जो प्राइस निकलेगा वो थोड़ा एक्यूरेट निकलेगा। एक्यूरेट मतलब करंट मार्केट प्राइस निकल सकता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोक्सीमेटली द करंट वन। करंट वन क्यों बोला है? क्योंकि जो हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, मटेरियल का जो हमने प्राइस लिया है वो प्राइस कौन सा लिया है, हमने करंट वाला प्राइस लिया है, लेटेस्ट वाला प्राइस लिया, लिफो लास्ट लास्ट में जो मटेरियल हमने परचेस किया है लास्ट लास्ट वाला प्राइस लिया हमने, ना कि फीफो फर्स्ट जो पहले वाला प्राइस था वो नहीं लिया हमने, लास्ट वाला प्राइस लिया है। तो हमारा जो कॉस्ट हो रहा है वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो रहा है, करंट सिनारी होगा, करंट कॉस्ट आ रहा है। इसके भी ज़रा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड विल बी इधर नियरर टू और विल रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस, यही पॉइंट इन्होंने यहाँ बोला है। ठीक है, द यूज़ ऑफ द मेथड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस डज नॉट रिफ्लेक्ट द अनड्यू हाई प्रॉफिट इन द इनकम स्टेटमेंट एज इट वॉज अंडर द फीफो। ठीक है, जैसे कि हमने फीफो में ये वाला पॉइंट आपको बोला है कि ये वाला पॉइंट आपको समझना है, ये आप एक बार इस पॉइंट को आप खुद एक बार थॉट दो, ये समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक, मैं समझाऊंगा ये पॉइंट, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप एक बार ये पॉइंट आप खुद इसका जस्टिफिकेशन दो, आप खुद इस पॉइंट का लॉजिक बताओ मुझे। तो ये सेम लॉजिक पे ये वाला पॉइंट है, सेम लॉजिक पे। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट है वो सेम लॉजिक पे, डज नॉट रिफ्लेक्ट द अनड्यू हाई प्रॉफिट। ये हमारा फीफो में क्या बोल रहा था कि अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है तो हमारा प्रॉफिट हाई दिखेगा फीफो मेथड में। ठीक है, देखो एक समरी बना देता हूँ, अगर ट्रेंड कैसा है, प्राइस कैसी है हमारे मटेरियल की, राइजिंग है, प्राइस राइजिंग है, तो फीफो में हाई प्रॉफिट मिलेगा और लिफो में लो प्रॉफिट। ठीक है, और अगर प्राइस कैसी है, डिक्लाइनिंग है, प्राइस कम कम हो रही है, तो फीफो में क्या होगा, लो प्रॉफिट, और लिफो में क्या होगा, हाई प्रॉफिट। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक आप सोचो, आप इसके पीछे का लॉजिक सोचो और मुझे नेक्स्ट बैच में इसके पीछे का लॉजिक बताना। एकदम सिंपल सी लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और मुझे इसका आंसर बताओ।
इन द केस ऑफ द फॉलिंग प्राइजेस द प्रॉफिट टेंड्स टू राइज ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट येट द फिनिश प्रोडक्ट अपीयर टू बी मोर कॉम्पिटिटिव एंड आर एट मार्केट प्राइस. देखो अगर फॉलिंग प्राइजेस है तो अगर प्राइस गिर रहा है तो क्या बोल रहा है ये कि टेंड्स टू राइज ड्यू टू सॉरी इन द केस ऑफ फॉलिंग प्राइजेस प्रॉफिट टेंड्स टू राइज. अगर प्राइस कैसा है, प्राइस डिक्लाइनिंग है, फॉलिंग है, तो प्रॉफिट कैसा है, टेंड्स टू राइज, मतलब हाई प्रॉफिट है. ठीक है, तो सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है, लॉजिक आपको पता करना है. तो क्या बोलता है, फॉलिंग प्राइजेस मतलब प्राइस गिर रही है, प्राइस गिर रही है, तो प्रॉफिट कैसा है, राइज, तो हाई प्रॉफिट हो रहा है. ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक बताना है. ओवर अ पीरियड द यूज़ ऑफ लिफो हेल्प्स टू आयन आउट द फ्लक्चुएशंस इन द प्रॉफिट. ठीक है, ये क्या बोलता है कि अगर हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही मेथड फॉलो कर रहे हैं तो ये जो प्राइस के फ्लक्चुएशन है ना उसकी वजह से प्रॉफिट पे इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है. इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन लिफो विल टेंड टू शो द करेक्ट प्रॉफिट एंड दस अवॉइड पेइंग अनड्यू टैक्सेस टू सम एक्सटेंट. ये सारे पॉइंट्स का जो ये प्रॉफिट से रिलेटेड जो सारे पॉइंट्स है उसका लॉजिक एक ही है. ठीक है, डिसएडवांटेजेस पढ़ने हैं आपको, कोई डिफिकल्टी आती तो बताना है. कैलकुलेशंस अंडर लिफो सिस्टम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड एंड कम्बरसम व्हेन द फ्रीक्वेंट परचेजेस आर मेड एट सेम पॉइंट है. फीफो में भी कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सिमिलरली बैचेस ऑफ प्रोडक्शन कैरी डाउन सेम पॉइंट है. क्यों, क्या ये क्या पॉइंट बोल रहा है कि अलग अलग बैच में अगर हम गुड्स बना रहे हैं तो हर बैच का रेट अलग बनेगा. जैसे कि हमने जनवरी में जो हैंडसेट्स बनाए उसका प्राइस फेब्रुवरी में जो हैंडसेट्स बनाए थे उससे अलग होगा. क्यों, क्योंकि मटेरियल का जो प्राइस पकड़ा है हमने, इनपुट का हमने क्या पकड़ा है, एक्चुअल प्राइस पकड़ा है. भले ही लिफो से पकड़ा हो, फीफो से पकड़ा हो, लेकिन एक्चुअल प्राइस पकड़ा है. और एक्चुअल प्राइस कैसा है, चेंजिंग है, चेंजिंग है, तो कभी ज़्यादा था तो कभी कम था, है ना. हर इशू में प्राइस चेंज हो रहा था हमारा, तो इसलिए जब भी हमारे फिनिश गुड्स बनते हैं उसके प्राइसेस अलग हो सकते हैं पिछले लॉट के मुकाबले. दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज़. ये है स्टार करने वाली बात, इस पर MCQs बन सकता है कि सर लिफो वाली मेथड इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को नहीं चलती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को लिफो मेथड नहीं चलती है. तो सर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को कौन सी मेथड चलती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज कौन सी मेथड एक्सेप्ट करता है, फीफो मेथड या एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड या फीफो मेथड. लिफो मेथड टैक्स के हिसाब से अलाउड नहीं है. इट मे बी नोटेड दैट लिफो इज नॉट परमिटेड अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 valuation of inventories and Ind AS 2 inventories. However, for the purpose of academic knowledge, LIFO method is included. ये सिर्फ academic point of view से है, मतलब ऐसा नहीं बोलना है कि AS 2 LIFO allowed नहीं करता है तो LIFO पे question नहीं आएगा. LIFO पे definitely question आ सकता है, definitely LIFO method पे question आ सकता है. अब देखते हैं illustration 12 में आपको समझा देता हूँ, solve आपको करना है ये. The following transaction in respect of material Y occurred during the 6 months ended 30th June 2018. January, February, March, purchase इतना किया है और issue इतना किया है. जैसे कि February में, March में हमने purchase कितना किया है, 425 units, और March में issue कितना किया है, 300 units. June में purchase किया है 600 units और issue किया है 400 units. The chief accountant argues that the value of closing stock remains the same no matter which method of pricing of material issues is used. Do you agree? Why or why not? Explain. Detailed stores ledgers are not required. ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है इसका, ये हमें ट्रांजेक्शन का डेटा दिया है, परचेस का और इशू का. अब जो कंपनी का कॉस्ट अकाउंटेंट है, कॉस्ट अकाउंटेंट क्या बोलता है कि मिहिर आप कोई भी मेथड यूज़ करो, आप फीफो मेथड यूज़ करो या लिफो मेथड यूज़ करो, हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू सेम आएगा. आपको सही लगता है क्या मिहिर शिवानी मिताली, सही लगता है क्या आपको जो कॉस्ट अकाउंटेंट बोल रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट बोल रहा है कि फीफो यूज़ करो या लिफो यूज़ करो, कोई भी मेथड यूज़ करो, आंसर सेम आएगा. यस, सही बोल रहे हो शिवानी आप, आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि हमने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ही चेंज कर दी फीफो और लिफो.
तो आंसर अलग आएगा, और अलग क्यों आएगा उसका हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, डिटेल स्टोर लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड, डिटेल स्टोर लेजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। तो आपको सीधा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख देना है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितना आ रहा है फिफो मेथड से और लिफो मेथड से, और अलग आ रहा है तो उसका रीज़न आपको दे देना है, ठीक है। अलग आ रहा है तो उसका रीज़न आपको दे देना है, ठीक है। ये आपका है होमवर्क। और नॉर्मल केस में हम कैसे करते हैं, स्टोर्स लेजर बना के करते हैं। स्टोर्स लेजर कैसा होता है, डेट कॉलम होता है, रिसिट कॉलम होता है। रिसिट में क्या होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, है ना, हमने पहले भी देखा था। फिर होता है एक इश्यू कॉलम, इश्यू कॉलम में क्या होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ठीक है। फिर होता था हमारा बैलेंस का कॉलम, बैलेंस का कॉलम, उसमें भी क्या होता था, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो ये वाला इन्होंने भले ही बोला है कि आपको स्टोर्स लेजर नहीं बनाना है, लेकिन अभी प्रैक्टिस के हिसाब से आप ये स्टोर्स लेजर बनाओगे, और स्टोर्स लेजर दो बार बनेगा आपका, एक बार फिफो और एक बार लिफो। स्टोर्स लेजर बना के आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, ये स्टोर्स लेजर बना के आप मुझे व्हाट्सएप करोगे और प्रॉपर जस्टिफिकेशन दोगे कि फिफो में और लिफो में आंसर अलग क्यों आ रहा है, फिफो में और लिफो में आंसर अलग क्यों आ रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, अभी प्रैक्टिस के हिसाब से आप ऐसा सॉल्व करोगे। लेकिन अगर एग्जाम में बोला है कि स्टोर्स लेजर नहीं बनाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम सीधा टोटल कर लेंगे, कितना यहाँ का टोटल कितना आ रहा है और यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, जैसे कि 500, 900, 900, 1000, 1400, 1400, 2000, 2500। हमने रिसिट किया है 2500 और इशू किया है 1200, 17, 2000, 2300 हमने इशू किया है। तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है, 200 यूनिट्स। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता है, 200 यूनिट्स। तो फीफो मेथड में जो 200 यूनिट्स होगा वो कहाँ से होगा, लास्ट स्टॉक से होगा, तो 200 यूनिट्स यहाँ से होगा। फीफो में जो 200 होगा वो फीफो का 200 होगा एट द रेट ऑफ 20, क्यों, क्योंकि एकदम लेटेस्ट जो परचेस किया है। और लिफो में कौन सा बचेगा 200, लिफो में जो सबसे पहले परचेस किया था वो, तो लिफो का जो 200 है वो कौन सा होगा, ये रेट का, 25 के रेट का। तो जाहिर सी बात है दोनों के आंसर अलग आ रहे हैं, है ना। चलो मैं बोला था कि आप सॉल्व करोगे, लेकिन मैंने ही सॉल्व करके दे दिया आपको, मैंने ही आपको सॉल्व करके दे दिया। हमारा रिसीट है 2500, इशू है 2300, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 200। कोई भी मेथड फॉलो करो, क्लोजिंग स्टॉक आएगा 200 ही। बस ये जो 200 यूनिट्स है इसका वैल्यू अलग अलग आएगा, ये 200 यूनिट्स का वैल्यू अलग अलग आएगा। फीफो में कैसा आएगा, फीफो में ये जो है ये पहले का मटेरियल पहले इशू हो जाएगा, जो 200 बचेगा वो लास्ट स्टॉक्स में से बचेगा, मतलब ये 600 में से बचेगा, 600 में से 200 बचेगा। तो ये 600 कौन से रेट का है, ये 20 के रेट का है। तो फीफो मेथड में क्या वैल्यू आ गई हमारी, फीफो मेथड में सर आ गई हमारे 200 इंटू लास्ट स्टॉक का वैल्यू 20, ठीक है। वही अगर हम लिफो मेथड यूज़ करते हैं, तो लिफो मेथड में जो 200 यूनिट्स बचेंगे वो कैसे हो गए, लिफो में रिवर्स देखेंगे, जो लास्ट में आया वो पहले इशू करते जाएंगे, और ये जो पहले का 200 है ये बचेगा, पहले का 200 बचेगा। पहले का 200 क्या रेट का है, 25 के रेट का है। तो लिफो में 200 इंटू 25, दोनों भी आंसर्स अलग आएंगे। लॉजिक भी आपको क्लियर है, क्योंकि हमने अलग अलग मेथड यूज़ किए हैं, ठीक है।